Hi everyone, welcome to your favorite cat का channel Quantifiers. My name is Sahil Arora. So guys, आज हम एक बहुत ही अच्छा सेट करने वाले हैं on the basis of organizing something. I received this as a doubt on my WhatsApp. Let's do it. कहता है हरी राम, a farmer planted 12 trees numbered 1 to 12. ठीक है, देखो अगर आप ये सेट पहली बार देख रहे हो, आपका ऑप्टिमम टाइम है सेट को करने का लगभग लगभग 10 मिनट. 10 मिनट में आपका सेट हो जाना चाहिए, राइट? दिस इज द ऑप्टिमम टाइम. सेट को, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो. ठीक है, तो कहता कि आफ्टर टेकिंग गुड केयर ऑफ द प्लांट्स, उसने देखा कि यार वो फ्रूट्स देने लग गए हैं. ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो फ्रूट बियरिंग एज है उनकी वो इंटीजर है. ठीक है, जैसे कि जो गुआवा ट्री है, गुआवा ट्री के फ्रूट्स आते हैं 2, 3, 4 में, मैंगो के आते हैं 5 और 6 में, एप्पल के आते हैं 7 और 8 में. फर्दर द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन, और कुछ फैक्ट्स नोन है. और हमें इस ये लाइन ग्राफ में ये दिया हुआ है कि किस एज के कितने थे, यानी कि 2 वाले आपके पास 2 ट्रीज थे, 3 वाले आपके पास 1 ट्री था, 4 वाली एज वाले 2 ट्री थे, 5 वाली एज वाले 3 ट्री थे. तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के कितने ट्रीज थे. ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास अभी क्या फैक्टर्स आ रहे हैं कि मेरे पास 12 तो नंबर है, ये 12 नंबर है मेरे पास, और फिर वो 12 नंबर में कुछ उनके फ्रूट टाइप्स हैं जो भी हैं, और फिर उसकी कोई एज है. तो मेरे पास एक टेबल बन जाए अगर मजा आ जाएगा उसमें. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो उसको यहाँ रख के देखते हैं. अब सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर रिसीव हो जाए, राइट, चाहे वो कॉलेज की नोटिफिकेशन है, चाहे वो नए सेट्स हैं, जो भी है. ठीक है, हम बहुत सारे फ्री सेशन भी कंडक्ट करते हैं, सब कुछ आपके चैनल पर डायरेक्ट, आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्टली आ जाएगा. एक बस लिंक फिल कर दो डिस्क्रिप्शन में. आइए सेट देखते हैं. हमें इन्फॉर्मेशन थी, अब मैं देखता हूँ कि मेरे को चाहिए क्या क्या. मेरे को पता है कि मेरे पास जो गुआवा है उसकी एज है 2, 3, 4. 2, 3, 4. और जो मेरे पास आगे क्या दिया हुआ है, मैंगो है, उसकी एज है 5 और 6. और लास्ट में एप्पल है, एप्पल की एज दी हुई है अपने को 7 एंड 8. ठीक है, अब और आगे क्या दिया हुआ हमें, बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है अच्छी अच्छी सी. और हमें फिर ये भी दिया हुआ है कि कौन से टाइप के कितने कितने पेड़ है, कौन से टाइप के कितने कितने ट्रीज है, उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर लेते हैं. कि जैसे कि मुझे पता है कि 2 वाले 2 हैं, 2 वाले मेरे पास 2 हैं, तो 2 वाले ये 2 हैं. ठीक है, 3 वाले कितने हैं, 1 है सिर्फ, तो 3 वाला 1 है, और 4 वाले 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए गुआवा 5. ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 2 टोटल आ गया 5. ओके, मैंगो 5 वाले कितने हैं, 3 हैं, 5 वाले 3 हैं, और 6 वाले कितने हैं, 1 है, 6 वाला 1 है, तो मैंगो कितने हो गए अपने पास 4. और एप्पल देखते हैं, 7 वाला 1 है और 8 वाले 2 हैं, 7 वाला 1 है, 8 वाले 2 हैं, ये हो गए 3. ठीक है, और टोटल फ्रूट्स कितने हो गए अपने पास 12. ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया पूरा सही. ठीक है, डन. अब आगे देखते हैं क्या करना है अपन. हमें दिया हुआ है ऑड नंबर ट्रीज आर नॉट गुआवा ट्रीज, सो दिस इज नॉट गुआवा, दिस इज नॉट गुआवा, नॉट गुआवा, नॉट गुआवा, नॉट गुआवा, नॉट गुआवा. Even number are not mango trees, so this is not mango, this is not mango, this is not mango, not mango, not trees whose number are divisible by 4 are not apple trees, so this is not mango, not apple, not, no, sorry, not this, 4, 8, 12, not mango, not apple, not mango, not apple. बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज सामने है कि ना ये मैंगो है ना ये एप्पल है, तो ये क्या हुए, तीनों तीनों हुए अपने पास गुआवा. कलर चेंज करके फिक्स कर देता हूँ कि दिस इज गुआवा, दिस इज गुआवा, दिस इज गुआवा. गुआवा थे कितने, 5, उसमें से हमने 3 फिक्स कर दिए, परफेक्ट हो गया. ठीक है, डन हो गया ये पॉइंट. सेकंड पॉइंट है दैट फ्रूटिंग एज ऑफ ऑल द ट्रीज नंबर 5 to 11 इज डिफरेंट, दिस इज ऑल डिस्टिंक्ट, ऑलराइट. विथ ट्री 9 मैक्सिमम फ्रूटिंग एज, 9 की मैक्सिमम फ्रूटिंग एज है, दैट इज 8. ओके,
और 10 की मिनिमम एज है, यानी 2। ठीक है, तो मिनिमम एज वाला कौन सा हो गया बेटा अपने पास? गुआवा हो गया, और मैक्सिमम एज वाला क्या हो गया? एप्पल हो गया। तो एक एप्पल मेल हो गया, 2 और 8 हो गए। नो कंजेक्टिव ऑड नंबर ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कोई भी कंजेक्टिव, नो 3 कंजेक्टिव ऑड नंबर ट्रीज आर मैंगो, यानी कि अगर ये मैंगो है, ये मैंगो है, तो ये मैंगो नहीं हो सकता। 1, 3, 5 लगातार मैंगो नहीं हो सकते, 3 कंजेक्टिव ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ से थोड़ी पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं, बचे क्या हैं ऑड नंबर मेरे पास? 1, 3, 5 खाली है, हाँ, 7 भी खाली है, हाँ, 9 पे एप्पल आ चुके हैं, और 11, 9 पे एप्पल आ चुके हैं, तो 9 को मैं मैंगो से फिल नहीं कर सकता। और मैंगो फिल कितने करने हैं? अभी तक हुए हैं कुछ मैंगो? नहीं हुए। मैंगो करने कितने हैं? 4। इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो ये चारों तो फिल एक साथ नहीं हो सकते, ये चारों एक साथ फिल नहीं हो सकते, यानी एक मैंगो यहाँ तो आएगा ही आएगा। यहाँ कर देते हैं एक मैंगो, 1, 2, यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो ये एक केस बन गया मेरा। ठीक है जी, अब अगला, यहाँ तो आएगा ही आएगा मैंगो, राइट? इसको मैं भर चुका हूँ, उसको खाली छोड़ सकता हूँ? अगर इसको खाली छोड़ दिया तो मैंगो मैंगो मैंगो, ये केस वायलेट हो जाएगा कि 1, 3, 5 लगातार मैंगो बन गया, नहीं तो यानी इसको भी खाली नहीं छोड़ सकता मैं, यानी कि ये तो भरेगा ही भरेगा। अब बचा 5 और 3, 5 में अगर भर दिया तो रिपीट केस हो जाएगा, यानी यहाँ भर देता हूँ और एक यहाँ, यही 2 केस पॉसिबल है, इसके सिवाय तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, हमने देख लिया, है ना? तो यानी कि 1 पे तो पक्का ही मैंगो आएगा, 7 पे तो पक्का ही मैंगो आएगा, 11 पे तो पक्का ही मैंगो आएगा, और 3 और 5 में से किसी एक जगह मैंगो आएगा। सो 1 पे पक्का ही मैंगो है, 7 पे पक्का ही मैंगो है, और 11 पे पक्का ही मैंगो है। 1 इज डेफिनेटली मैंगो, 7 इज डेफिनेटली मैंगो, 11 इज डेफिनेटली मैंगो। मैंगो की एज अपने पास 5 और 6, ठीक है। अगर ये द फ्रूटिंग एज ऑफ 11 इज एन इवन नंबर, 11 की एज इवन है, तो 2 और 8 में मैं भर चुका हूँ और मैंगो आ गया, मैंगो हो ही 5 और 6 का सकता, तो यहाँ तो पक्का ही 6 आ जाएगा। चलो जी, ये भी सॉर्ट हो गया अपने पास, राइट? सो दिस सेट, अगर मैं अभी तक देखूँ, मैंने कोई दिमाग ज्यादा लगाया नहीं है, और सेट भरता चला जा रहा है, राइट? अपने आप ही भरता चला जा रहा है। अब ये गुआवा है, ये गुआवा है, मैंगो है, 6 ट्री बचा, 5 बचा, 2 बचा, 3 बचा। अब हम देखते हैं कि और क्या नंबर रह के भरने। 2, 6, 8 भर दिए, गुआवा पे क्या आ सकता है? गुआवा पे आ सकता है 3 या 4, 2, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट नंबर रखा है ना मैंने 5 से 11 पे, तो गुआवा पे आ सकता है 3 या 4, ठीक है। अब गुआवा पे 3 या 4 रख दिया हमने, मैंगो पे यहाँ पे कितना आएगा? मैंगो कितना हो सकता है? मैंगो हो सकता है 5 या 6, 6 में भर चुका हूँ, बचा ही 5 वाला मैंगो है सिर्फ, जहां भी मैंगो आएगा वहां 5 आएगा अभी, राइट? ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ सकता है, ठीक है, आ सकता है 7, बिल्कुल आ सकता है 7। किसका? एप्पल का। एप्पल आ सकता है, आ सकता है 7, यहाँ आ सकता है 7, यहाँ भी आ सकता है, एप्पल कहीं भी हो सकता है। अच्छा, अब 2 हो गया, 3, 4 बचा, यहाँ 3, 4 नहीं आ सकता। देखो, आपको पता है कि 2 गवावा फिट होंगे यहाँ पे, राइट? 3, 4 है यहाँ पे, तो 3, 4 मतलब जो 3 टेबल, देखो आपके पास एक सेल ये बचे, एक सेल ये बचा, 2 सेल ये बचे हुए हैं, और ये सेल का कुछ पता नहीं था मुझे बेसिकली, अगर मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, ये 3 सेल बचे हैं मेरे पास अभी, 1, 2 एंड 3, दीज 3 सेल। इन 3 सेल्स पे क्या आएगा? 3, 4 और 7, ये आएगा 3, 4 और 7, 3 और 4 और 7 मतलब कि 2 आएंगे गुआवा और 1 आएगा एप्पल। मुझे पता है कि यार गुआवा यहाँ आया हुआ है, यहाँ गुआवा आ नहीं सकता, तो गुआवा पक्का ही इधर आएगा और एप्पल पक्का ऊपर आएगा, ठीक है जी, डन हो गया। ये भी वेरी इजी, एप्पल लिख दिया, ये गुआवा। अब गुआवा 3, 4 वाले थे, तो यहाँ तो ये 3 है, ये 4 है, या फिर ये 4 है, ये 3 है। एप्पल कितना वाला? एप्पल 8 वाला हो चुका है, अब एप्पल 7 वाला ही भर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डिस्टिंक्ट नंबर रखना है, तो एक एप्पल और मैंने अभी फिल करना है, वो फिल कौन सा करेंगे वो भी अपन देखते हैं। तो अब मुझे पता है कि यार जो, देखो अपने पास जो मैंगो की पॉसिबिलिटी थी, मैंगो ने या तो 3 पे आना था या तो 5 पे आना था, अब 5 पे तो मैंगो आ नहीं रहा, तो मैंगो कहाँ पे आएगा? डेफिनेटली 3 पे आएगा, ठीक है। ओ ठीक है, ठीक है।
आ गया मैंगो 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे तो अपने पास क्या बचा, आप सिर्फ एप्पल ही बचा एक फ्रूट भरने को, तो एप्पल हम यहाँ लिख देंगे, एप्पल यहाँ। सब कुछ फिल कर दिया मैंने। अब मुझे पता था कि मैंगो जो बचे हैं, मैंगो 6 वाला फिल कर चुका हूँ, 5 5 वाले बचे हैं, तो ये 5 वाला मैंगो हो गया, ये 5 वाला। यहाँ पे देखो तो अब 6, यहाँ पे ये देखो मैंगोस का जो देख रहे हो, 3 मैंगो थे 5 वाले और एक मैंगो था 6 वाला, तो हम 5 वाला भर चुके हैं ऑलरेडी, तो 6 वाला भर चुके हैं, तो बाकी जितने भी मैंगोज हैं वो 5 वाले होंगे, 5 5 फिल्ड हो गया। ठीक है, एप्पल मैं कितने वाला हूँ, एप्पल मेरे पास एक 7 वाला है, वो फिल हो चुका है, 2 8 वाले हैं, तो 1 8 नीचे भर चुका है, 1 8 ये आ गया। अब बचे 2 गुआवा, इन पे कुछ भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, 3 और 4 वाला एप्पल तो जा चुका है, तो 1 गुआवा बचा मेरे पास 2 वाला और 1 बचा 4 वाला, 2 4 4, खत्म हो गया क्वेश्चन। राइट, सो दिस वॉज द थिंग, अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सेट, बट येस इट रिक्वायर्स सम एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं, आंसर करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट अ गुआवा ट्री, 2 4 4 तो है, 12 भी है, 6 2 नहीं है, तो इज नॉट अ गुआवा ट्री। वॉट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस इन बिटवीन द फ्रूटिंग एज ऑफ ट्री 3 एंड ट्री 12, ये ट्री 3 है, ये ट्री 12 है, तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, कि अगर ये 5 होगा या 2 होगा तो 3 का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है हमारे पास। राइट, देखते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस, व्हाट इज द सम ऑफ टोटल फ्रूटिंग एजेस ऑफ ऑल नंबर ट्रीज, ऑल नंबर ट्रीज 5 एंड 5 10 एंड 7 17 22 30 36, 36 इज द टोटल सम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट, ट्री 2 इज अ मैंगो ट्री, नॉट करेक्ट, ट्री 7 इज एन एप्पल ट्री, नॉट करेक्ट, द फ्लोटिंग एज ऑफ ट्री 1 इज 5 ईयर्स, डेफिनेटली, द फ्लोटिंग एज ऑफ ट्री 4 इज 4 ईयर्स, नॉट करेक्ट। ऑल राइट, नॉट डेफिनेटली ट्रू, इट कैन बी ट्रू बट इट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन, इज द सम ऑफ फ्लोटिंग एज ऑफ 4 आउट ऑफ 12 ट्री इज 28, सो 4 ट्रीज का उसने कहा कि सम 28 है, 28 है, यानी कि उनकी एवरेज 7 होनी चाहिए। राइट, एवरेज अगर 7 होनी चाहिए तो यानी कि एवरेज 7 बनाने के लिए या तो 4 ट्रीज ले लो 7 7 वाले, वो तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास कुछ ट्रीज 8 वाले आने चाहिए, कुछ 7 वाले आने चाहिए। अगर 8 लेता हूँ 7 लेता हूँ, 8 और 7 15, बाकी 2 बचे 13, वो तो आपके पूरे होंगे नहीं, तो यानी कि आपको 8 8 वाले दोनों लेने पड़ेंगे, 8 एंड 8 16, 16 एंड 7 23 एंड 5 28, तो ये पक्का लेने पड़ेंगे। तो कहता है ये चारों ट्री हैं, अगर ये 4 एज वाले ट्री लिए जिससे आपने 28 बनाया, इफ एग्जैक्टली 1 ट्री फ्रॉम 8 टू ट्री 12 बिलोंग टू दिस ग्रुप, सो 8 से लेके 12 तक इनमें से एग्जैक्टली एक ट्री है जो इस ग्रुप में आता, तो वो कौन सा होना चाहिए, 8 एज वाला होना चाहिए ना, ट्री 9, तो दिस मस्ट बी देयर, दिस कंप्लीट्स अवर सेट। राइट, आई होप यू एंजॉयड दिस सेट, इफ यू डिड प्लीज जस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, थैंक यू सो मच गाइस, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द कैट कोचिंग यू आर एट द परफेक्ट प्लेस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।